वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसिंग सीएसएस एंड पीएमएस और इस वीडियो में हम पाकिस्तान कोटिंग द एबिस बाय तिलक देवाशेर इस बुक से रेफरेंसेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उन्हें अपने राइटअप्स में किस तरह से इस्तेमाल करना है वो देखेंगे बट वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड जब आप किसी फॉरेन ऑथर या स्पेशली किसी इंडियन ऑथर के रेफरेंसेस को कोट कर रहे हो तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि उनका जो आर्ग्यूमेंट है कुछ एंटी स्टेट आर्ग्यूमेंट्स होंगे क्योंकि हम जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वी आर नॉट अलाउड टू सपोर्ट एनी एंटी स्टेट आर्ग्यूमेंट तो जब आप कोई इंडियन ऑथर का या किसी ऐसे ऑथर का जो आपको लग रहा हो कि पाकिस्तान के स्टेट के स्टांस के ऑपोजिट कोई स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे कि लाइक यू राइट अ लाइन और उसका प्रेफरेंस देने के लिए उस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो है आप वो कोट करते आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने राइटअप्स में कि आप जब किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं लिखते हुए या अदर साइड ऑफ पॉइंट दिखा रही हूँ तो तब इन आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आप ऐसे बुक्स से या ऐसे ऑथर्स की लाइन्स जो है रेफरेंसेस जो हैं वो कोट कर सकते हैं जैसे इस आज की वीडियो में भी हम काफ़ी सारे ऐसे लाइन्स देखेंगे जो आपको लगेगा डिस्पाइट ऑफ अ फैक्ट वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं वो हकीकत है या वो नहीं सच तो लेकिन आपने उन आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट नहीं करना क्योंकि आप एंटी स्टेट स्टांस को प्रमोट नहीं कर सकते तो सबसे पहले देखते हैं कि तिलक कौन थे तिलक जो हैं वो ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल करियर विद द कैबिनेट सेक्रेटरिएट स्पेशलाइज्ड इन सिक्योरिटी इश्यूज पर्टेनिंग टू इंडियाज नेबरहुड तो अगर कहीं पे पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है अच्छा ये जो बुक है पाकिस्तान कोटिंग द एबिस तो आजकल चूँकि जो पॉलिटिकल क्लाउस चल रहा है सिविल मिलिट्री जो है रिलेशनशिप्स जिस तरह के चल रहे हैं इन सब हवालों से ये वाली किताब जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके लाइंस पढ़ते हुए आपको ऐसे लगेगा लाइक ये बुक जो है ये आज के जो पर्सपेक्टिव है सर्कमस्टांसिस हैं उसे सामने रखते हुए लिखी गई है तो अगर पाकिस्तान की आप देखिए करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि तिलक कहते हैं अपनी बुक पाकिस्तान कोटिंग द एबिस में के द पोइजनेंसी एंड द डिप्रेसिंग कंट्रास्ट बिटवीन द टू जर्नीज सिंबॉलिकली कैप्चर्स द ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द ब्लड सोक्ड येट एंथुजियास्टिक क्रिएशन इन 1947 to the present day exhaustion and gloom and doom scenario कि जो है आज की सिचुएशन में और जो 1947 के दौरान जो थी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की सिचुएशन थी तब क्या था ब्लड सोक्ड था कंट्री लेकिन एंथुजियास्टिक था आज क्या है आज एग्जॉस्टेड है और ग्लूम एंड डूम सिनेरियो है नेक्स्ट वो कहते हैं कि डीपली ट्रबल्ड इन टर्मिनल डिक्लाइन इन क्राइसिस फेलिंग ऑन द एज ऑन द ब्रिंक तो ये वाले वर्ड्स जो हैं आप देखें पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को किस तरह से डिस्क्राइब करें इलेबोरेट करें अ स्टेट अनएबल टू सर्वाइव विदाउट रिपीटेड एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट की एक ऐसी स्टेट जो कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर किस तरह से सर्वाइव कर रही है या सर्वाइव नहीं कर सकती एंड इन सिक्योर स्टेट लुकिंग फॉर सिक्योरिटी प्राइमरीली इन नैरो मिलिट्री टर्म्स के पाकिस्तान जो है आपने देखा है बहुत सारे सिक्योरिटी डोमेन्स हैं आज भी जो है वो एक जो नैरो मिलिट्री टर्म है मिलिट्री डोमेन है सिक्योरिटी की उसी को ही जो है वो नोट ज़्यादा रखती है अ हॉट बेड ऑफ टेररिज्म both internal and external a country rent asunder by sectarian killings a nuclear proliferator to aap dekhiye ab ye sare jo words hain pakistan ko tilak jo hai wo in words mein bata rahe hain burn next wo kehte hain burn at midnight as sovereign independent democratic country Today it is neither sovereign nor independent nor even democratic. ये कहते हैं कि मिडनाइट को जो है जन्म लेने वाला एक sovereign, independent, democratic country जो कि आज ना तो sovereign रहा है ना independent है और ना ही even के democratic है Today it is not just a rentier state.
not just a client state. These are slaves, slave state, ill-led, ill-governed by power-hungry janta and a puppet government set up by Washington. कि किस तरह जो है आज का पाकिस्तान ना सिर्फ एक रेंटियर स्टेट्स है, रेंट पे चलने वाली एक रियासत है, ना सिर्फ ये जो है एक क्लाइंट स्टेट है, बल्कि ये अमेरिका की एक स्लेव स्टेट बन चुका है, एक इल-लेड कंट्री है, इल-गवर्न्ड कंट्री है। नेक्स्ट वो कहते हैं, अगर कहीं पे आप बात कर रहे हो ना पॉलिटिकल पोलराइजेशन की, जैसे आजकल आप देखें किस तरह से पीटीआई वर्सेस पीडीएम की एक जंग लगी हुई है, एक सियासी अदमी सा काम की कैफियत है मुल्क में, तो आप ये वाले वर्ड्स लिख सकते हैं कि वो कहते हैं कंपाउंडिंग मैटर्स इज द डीप पोलराइजेशन इन द कंट्री वेयर पॉलिटिशियंस कंटिन्यू टू बिकर ओवर द वैलिडिटी ऑफ इलेक्शंस लॉन्ग आफ्टर अ गवर्नमेंट हैज बीन स्वॉर्न इन वेयर द डिबेट अबाउट हु इज आवर ट्रू मुस्लिम रेवेजेस। नेक्स्ट वो पाकिस्तान की मूवमेंट के बारे में कहते हैं, ये आप जब पाक अफेयर्स में प्री पार्टीशन का पोर्शन कर रही हूँ तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, व्हाइल द हिंदूज टुक टू वेस्टर्न एजुकेशन द मुस्लिम्स वर स्लो टू डू सो स्लो इन एक्सेप्टिंग द रियलिटी दैट अंडर न्यू ब्रिटिश डिस्पेंसेशन देयर ट्रेडिशनल पर्शियन बेस्ड एजुकेशन वॉज ऑफ लिटल यूज इन ऑब्टेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के जब जो है 1857 के बाद ब्रिटिश ने टुक ओवर कर लिया था हिंदुस्तान में, तो हिंदूज जो थे वो जल्दी से वेस्टर्न एजुकेशन को एडॉप्ट कर रहे थे, जबकि मुसलमान जो थे वो इस बारे में एक स्लो था, एक अच्छा रवैया नहीं रख रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन अटेन करने के बारे में, और इस वजह से उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थी वो भी इतना नहीं मिल रही थी। बाद में ये कदम उठाया था सर सैयद अहमद खान ने। फिर वो तारिक अली को कोट करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान वॉज टू बिकम अ ट्रू मुस्लिम स्टेट देन इट नीडेड अ मौदूदी नॉट जिना टू बी इट्स हेड। He denounced Jinnah and Muslim League as blasphemers who were misusing Islam to promote a secular nationalism. अब देखिए किस तरह से एक हीरो पाकिस्तान जो है उन्हें एक मुसलमान ही वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को एक सही मुस्लिम रियासत बनना था तो उन्हें जिनाह की नहीं बल्कि एक मौदूदी जैसे शख्स का एज ए हेड जो थी वो ज़रूरत थी। उन्होंने ये भी कहा कि जिनाह और मुस्लिम लीग जो है वो ब्लैसफेमर्स हैं जो कि इस्लाम को अपने सेकुलर नेशनलिज्म जो सेंटीमेंट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करने के प्रमोट करने के लिए इस्लाम का मिसयूज कर रहे हैं। फिर टाइम मैगजीन जो है वो लिखता है द पीपल ऑफ कराची डिड नॉट वेलकम पाकिस्तान विद अ वाइल्ड एंथुजियाज्म दैट स्वेप्ट द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया आफ्टर ऑल पाकिस्तान वॉज द क्रिएशन ऑफ वन क्लेवर मैन जिना के जो कराची के लोग थे या नहीं इनके हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने उस वाइल्ड एंथुजियाज्म से उस जोश और जज्बे से पाकिस्तान का बनने का इस्तकबाल नहीं किया जिस तरह से इंडिया के लोगों ने किया था। आफ्टर ऑल ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो थी वो क्रिएशन थी एक क्लेवर आदमी की यानी सिर्फ और सिर्फ जिना की। द डिफरेंस बिटवीन अ स्लिक पोलिटिकल ट्रिक एंड अ मैस मूवमेंट वॉज अपेरेंट इन द कंट्रास्ट बिटवीन कराची एंड न्यू दिल्ली। नेक्स्ट अगर आप लेगेसी ऑफ पार्टीशन की बात कर रहे हों तो आप क्रिस्टियन फिर कहती हैं, उन्हें कोट करते हुए तिलक कहते हैं कि नाइदर द आर्मी नॉर द कंट्री सिक्योरिटी मैनेजर्स हैव एवर बीन एबल टू सी द इवेंट ऑफ पार्टीशन एज पाकिस्तान पास्ट रेदर पार्टीशन परमिट्स द प्रेजेंट एंड कास्ट अ लॉन्ग शेडो ओवर फ्यूचर। कि आज भी जो पाकिस्तान के हालात हैं वो इस तरह के हैं कि हम पार्टीशन को कोई पास्ट का इवेंट नहीं समझते बल्कि पार्टीशन जो है वो ऐसे लगता है कि कोई रिसेंट इवेंट है और इवन इट कास्ट लॉन्ग शेडोज ओवर आवर फ्यूचर। तो लीवन को कोट करते हुए लीवन कहते हैं कि ऑल द एविडेंस सजेस्ट दैट जिना एंड लीग लीडरशिप वर कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर द रियलिटीज ऑफ कम्प्लीट सेपरेशन फ्रॉम इंडिया। जिनाज अर्ली डिमाइज क्रिएटेड अ लीडरशिप वैक्यूम द इम्पैक्ट ऑफ विच कुड हैव बीन कंटेन्ड हैड अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीग बीन एबल टू फिल द ब्रिज। अब देखिए ये कहा जाता था कि जो जिना थे वो ऐसे क्लेवर आदमी थे जिन्होंने
डिस्पाइट के वो पूरी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करें, मुस्लिम लीग को स्ट्रॉन्ग करें, वो एक अकेले स्ट्रॉन्ग आदमी थे। यही वजह थी कि उनके जैसे ही उनकी वफात हुई है तो मुस्लिम लीग में पाकिस्तान में एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिसके इम्पैक्ट जो थे, अगर मुस्लिम लीग एक स्ट्रॉन्ग पार्टी होती तो इसलिए उसके जो इम्पैक्ट थे वो ख़त्म या मिनिमाइज किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा ना हुआ क्योंकि जनाब वाज ओनली मैन। नेक्स्ट वो कहते हैं, पाकिस्तान हैड टू कैरी अ हैवी बर्डन फॉर विच इट हैज़ पेड एंड कॉन्टिन्यूज टू पे एन एनॉर्मस प्राइस। द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान बिल्ड ऑन सच फाउंडेशंस वॉज बाउंड टू बी स्क्यूड, shaky and suspect. Over the decades, the weight of this legacy has grown heavier, beckoning it toward the abyss. अगर आप पॉलिटिकल इंटॉलरेंस के बारे में लिख रहे हैं तो जैसे आजकल का भी जो पॉलिटिकल क्याओस की सिचुएशन है, तो आप ये लिखें कि सम मुस्लिम लीगर्स सेड दैट एनी मुस्लिम हु अपोज्ड द मुस्लिम लीग हैड बीट्रेड द कॉज ऑफ इस्लाम इटसेल्फ। सच प्रेसिडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इंटॉलरेंस वुड बिकेम द टेम्पलेट ऑफ पाकिस्तान। के जब पाकिस्तान बना है उसके बाद मुस्लिम लीग जब एक ही पार्टी थी, जब दूसरे लोगों ने पार्टीज बनाना, सियासी पार्टियां बनाना शुरू की हैं, तो मुस्लिम लीगर्स का ये कहना था कि कोई और पार्टी जो कि मुस्लिम लीग को अपोज कर रही है, एक्चुअली वो अपोज कर रही है इस्लाम को। तो इस तरह आप देखें किस तरह से पॉलिटिकल इंटॉलरेंस जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है पाकिस्तान की रियासत में। फिर टालबोट कहते हैं कि द सीड्स वर द सोन फॉर अ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ इंटॉलरेंस विच हैज़ बिकम द हॉलमार्क ऑफ सक्सेसिव इलेक्टेड एज वेल एज नॉन इलेक्टेड रेजिम्स। तो ये आप देखें कि किस तरह से जो कल्चर ऑफ इंटॉलरेंस है, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस है, उसे बोया जा रहा है, उसे जो है वो एक राइज दिया जा रहा है कि जो आज तक चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो चाहे नॉन इलेक्टेड रेजिम हो पाकिस्तान की, तो ये सारा उनमें रूटेड है। लियाकत अली खान का कहना था कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज इन अपोजिशन टू मुस्लिम लीग इज अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इफ द मुस्लिम लीग इज नॉट मेड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड द मुस्लिम ग्रोथ ऑफ पार्टीज इज नॉट चेक इमीडिएटली, आई एश्योर यू दैट पाकिस्तान विच वॉज अचीव्ड आफ्टर अ ग्रेट सेक्रीफाइस विल नॉट सर्वाइव। क्यों कहते हैं कि लियाकत अली खान का ये कहना था कि अगर जो नई पॉलिटिकल पार्टीज़ बन रही हैं मुस्लिम लीग के खिलाफ, उन्हें वो पाकिस्तान के ट्रस्ट के भी खिलाफ है, अगर उन पर कोई स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता तो पाकिस्तान जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेगा एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। फिर अगर आप जो है मुस्लिम लीग के स्ट्रक्चर वीकनेसेस के बारे में लिख रहे हो अपने प्री पार्टीशन के पेपर में पोर्शन में, तो आप ये लिखें कि द स्ट्रक्चर वीकनेस ऑफ मुस्लिम लीग कपल्ड विद लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एंड इट्स लैक ऑफ अ रोड मैप और विजन ऑफ हाउ पाकिस्तान वॉज टू बी रन वर टू बी अ ह्यूज इम्पेडिमेंट इन द फ्यूचर डिवेलपमेंट ऑफ द कंट्री। It seems that the leaders were content just to get Pakistan, but having got it, were not sure what to do about कि इसके पाकिस्तान जो लीडर्स थे वो इस बारे में तो सारे मुत्तफिक थे कि एक अलहदा रियासत जो है वो हासिल की जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अगर एक रियासत हासिल कर ली जाए तो उसे उसके बाद मेंटेन किस तरह रखना है। इसके आप देखें कि किस ये भी है कि इन अबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली टू डिसाइड ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन के 1956 तक पाकिस्तान की रियासत जो 1947 में बनी हुई है, तकरीबन 9-9.5 साल बाद जाके अपना पहला आइन पेश कर रही है, एंड द डोमिनेटिंग रोल दैट ब्यूरोक्रेटिक एलीट रेदर देन पॉलिटिशियंस वर टू प्ले इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। तो आप जो अप्स एंड डाउन्स थे ड्यूरिंग 1950s, तो उनमें देखें कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो मेजर रोल प्ले कर रही है एज कम्पेयर टू पॉलिटिशियंस। अगर आप आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वो कहते हैं, तिलक कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ डिवाइडेड नेशन टू से द लीस्ट, वी आर डिवाइडेड ऑन एथनिक लिंग्विस्टिक पॉलिटिकल रिलीजियस एजुकेशन एंड प्रोविंशियल लाइंस, वी गैदर टुगेदर अंडर डिफरेंट पॉलिटिकल फ्लैग्स, वी प्रे इन मस्जिद्स
that are 100 feet from each other because of a slight difference in the way we practice Islam ke hum mukhtalif masajid mein namazein ada karte hain jo 100 feet ke faasle par hoti hain sirf koi slight difference ki wajah se the dawn newspaper 2000 mein kehta hai ki since its inception Pakistan has faced monumental task to spell out an identity different from Indian identity, born from the division of old civilization of India, Pakistan has struggled for constructing its own a culture which will not be different from Indian culture, but that the whole world would acknowledge. फिर वो तिलक कहते हैं कि इस्लाम हैज़ बीन मिस यूज्ड टू जस्टिफाई एंड सस्टेन स्टेटस कोइज़म इम्पोज अथॉरिटेरियनिज्म और सेमी अथॉरिटेरियन रूल एंड इवन प्रोटेक्ट वेस्टेड इंटरेस्ट दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इस्लाम बाय वेरियस रेजिम्स एंड वेस्टेड इंटरेस्ट लेड टू अ ग्रोइंग डिसएंचेंटमेंट विद आइडियोलॉजी इटसेल्फ A state founded on the principle of Muslims being a nation was converted into one where being a Muslim was no longer the sole religious identity. Orthodox Sunni circles require a domination prefix. कि किस तरह पाकिस्तान में एक ऐसी रियासत जो कि मुसलमान इस्लाम की बुनियाद पर रखी गई थी तो उसके बाद उन्होंने इसे कन्वर्ट कर दिया कि सिर्फ मुसलमान होना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि सुन्नी सेक्टर से होना भी ज़रूरी है कि किस तरह से एक स्पेसिफिक रिलीजियस सेक्टर ने डोमिनेट कर लिया कंट्री को फिर अगर आप प्रोविंशियल डायलेमा की बात करें बलोचिस्तान कनंड्रम की बात करें या डिस्पैरिटीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि तिलक कहते हैं कि द डायलेमा वाज दैट पाकिस्तान वाज क्रिएटेड बाय पुटिंग टुगेदर जियोग्राफिकल प्रोविंसेस विच शेयर्ड अ कॉमन रिलीजन बट हैड नेवर बिफोर शेयर्ड अ कॉमन हिस्ट्री कल्चर लैंग्वेज और एथनीसिटी वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो थे ना वो जियोग्राफिकल प्रोविंसेस को इकट्ठे करके एक रियासत बनाई गई थी जिनके कॉमन रिलीजन थे लेकिन ना तो उनकी कभी हिस्ट्री मुश्तरक रही है ना कभी उनकी सकाफत ज़ुबान या एथनीसिटी जो है वो कॉमन रही है फिर वली खान जो थे खैबर पख्तून खा के वो कहते हैं कि आई हैव बीन अ पख्तून फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अ मुस्लिम फॉर 1300 ईयर्स एंड अ पाकिस्तानी जस्ट ओवर 40 फिर वो कहते हैं तिलक कहते हैं कि पंजाब लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू गेन अ लार्जर पाकिस्तानी आइडेंटिटी इट बिगेन टू परसीव इटसेल्फ अलोन एज पाकिस्तान व्हाइल अदर्स स्टार्टेड कॉलिंग पाकिस्तान द ग्रेटर पंजाब की किस तरह पंजाब जो था उसने एक जो लार्जर प्रोविंस से लार्जर पाकिस्तानी आइडेंटिटी हासिल कर ली कि अदर प्रोविंस जो था उन्हें यही लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ये नथिंग मोर देन अ ग्रेटर पंजाब तो हम देखते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस को आज के सिनेरियो में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस जो है वो पाकिस्तान में अपना रोल प्ले करते हैं तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस इज एक्चुअली अ मिसनॉमर सिंस द सिविल इन रिलेशनशिप एग्जिस्ट ओनली टू द एक्सटेंट द मिलिट्री अलाउज टू इट क्यों कहते हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस में जो सिविल है वो उतना ही अपना जो पार्टिसिपेशन है वो शो कर सकते हैं जितनी मिलिट्री उसे अलाउ करती है फिर वो स्टेफन कोहेन को जो है वो कोट करते हुए कहते हैं कि स्टेफन कोहेन का कहना है कि टाइम एंड टाइम अगेन द आर्मीज वे हैज़ बीन पाकिस्तान वे के टाइम एंड टाइम जो आर्मी का वे था वही पाकिस्तान का वे बनता गया ज़ियाउल हक जो था उनका मोटो जो था वो जिन्ना के यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन से तब्दील होकर ईमान तकवा एंड जहाद फी सबीलिल्लाह हो गया टीवी वॉल का कहना है कि एलिवेटिंग नेशनल सिक्योरिटी टू द हाईएस्ट सेलियंस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ मिलिट्री इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज रिसोर्सेज फ्रॉम द नेशनल इकोनॉमी कि किस तरह पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट का जो लकब जो है वो दिया जाता है कि ये क्योंकि मिलिट्री के इंटरेस्ट में है एक सिक्योरिटी स्टेट जो पोर्ट्रेट करके वो क्या कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को नेशनल इकोनॉमी से मैक्सिमाइज कर सकते हैं फिर ब्रिगेडियर गुलाम गिलानी का 1952 में कहना है कि द सिविलियंस कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद सच सेंसिटिव मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी तो देखें कैसे एक ब्रिगेडियर जो हैं आर्मी मैन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सिविलियंस जो हैं उन्हें सेंसिटिव मैटर्स नेशनल सिक्योरिटी के सेंसिटिव मैटर्स पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता
performed Kennedy surveying the rise and fall of great powers over the past five centuries concludes. The fact remains that all the major shifts in the world's military power balances have followed alteration in the productive balances. The Great Wars. Victory has always gone to the side with the greatest material resources. Firoidat Khan ka kehna hai ki whatever be the constitutional position, one thing is clear that the final analysis, practical sovereignty in Pakistan reside neither in electorate, nor the parliament, nor the executive, nor the judiciary, nor even the constitution, which has superiority over all the institutions it creates. It resides anywhere at all where the coercive power resides. Ke jo जो प्रैक्टिकल सॉवरेनिटी है वो पाकिस्तान की, वो ना तो किसी इलेक्टोरेट के पास है, ना पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या इवन कॉन्स्टिट्यूशन के भी पास नहीं है, बल्कि एक कोएर्सिव पावर के पास है. वो कोएर्सिव पावर वी ऑल नो कौन सी है. तो नेक्स्ट वो कहता है, तिलक के द टसल बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटीज इन पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अबाउट पावर एंड सुप्रीमेसी, इट इज अबाउट द कंटेम्प्ट दैट मिलिट्री होल्ड्स पॉलिटिशियंस इन एंड अबाउट देयर बिलीव्स दैट लेफ्ट टू देमसेल्व्स. द पॉलिटिकल क्लास विल डिस्ट्रॉय पाकिस्तान वन वे और द अदर वे, और एट द मिनिमम कॉम्प्रोमाइज इट्स वाइटल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. फिर वो वाटर क्राइसिस के बारे में लिखते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन को कोट करते हैं कि उनका कहना था कि व्हेन द वेल इज ड्राई वी नो द वर्थ ऑफ वाटर, जो कि आजकल पाकिस्तान के साथ हो रहा है. बट अनफॉर्चुनेटली हमें अभी तक पानी की जो कदर अहमियत है उसका अंदाज़ा नहीं हो सका. फिर वो कहते हैं कि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड due to a combination of imprudent agriculture practices, a poorly maintained infrastructure, cultivation of water intensive crops, widespread consumption in water sector, over extraction, lack of adequate storage capacity. तो ये सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा पानी का ज़िया हो रहा है. तो ये देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो इम्प्रूडेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लगाए हुए हैं, जबकि मतलब पाकिस्तान जो फार्मर्स हैं वो एक बार पानी लगाने के बाद उसे रीयूज़ नहीं करते, जबकि आप ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम देखें किस तरह, सॉरी आप जो है वो जो इसराइल है उसका आप एक वाटर सिस्टम पूरा पढ़ें कि किस तरह से वो अपने वाटर को रीयूज़ करके एक उन्होंने मैकेनिज्म डिवेलप किया हुआ है. इसी तरह जो फार्मर्स हैं वो लगाते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, चावल वगैरह, जबकि वो शिफ्ट हो सकते हैं अगर पानी कम है तो वो देखें इसीलिए शिफ्ट वर्ड्स जो उन क्रॉप्स की तरफ जो कि कम पानी रिक्वायर करती हैं. इस तरह तिलक कहते हैं कि वाटर स्कार्सिटी हैज़ अ पोटेंशियल टू रिमोलिश ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और ये वाटर सिक्योरिटी जो है वो किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करती है. एजुकेशन के बारे में वो लिखते हुए कहते हैं कि सीरियस क्लिवेजेस हैव अपीयर्ड इन द सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम्स एंड कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इन पैरेलल स्फीयर्स कंपाउंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ वायलेंस अमंग डिवाइडेड यूथ. ये किस तरह जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम है वो यूथ को डिवाइड कर रहा है. परवेज उदभाई का कहना है कि मोस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैव लिटिल क्यूरियोसिटी अबाउट देयर सब्जेक्ट, नो फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड नो डिजायर टू एक्सप्लोर. मोस्ट हैव नेवर रीड अ सीरियस बुक इन देयर इंटायर लाइफ अदर देन अ टेक्स्ट बुक और अ रिलीजियस बुक. कैंपस डिस्कशंस ऑफ फिलोसॉफिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल इशूज आर रेयर. तो ये बेस्ट डिफाइन कर रहे हैं आज की पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, यंग यूनिवर्सिटीज को. फिर वो इकोनॉमी के बारे में लिखते हुए तिलक कहते हैं कि द बेसिक रीजन फॉर द इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इज अ स्ट्रक्चरल वीकनेस दैट हैव नॉट बीन रेक्टिफाइड ओवर द डेकेड्स एंड विल नॉट बी रेक्टिफाइड बाय एड होक बैंड एड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. ड्यूरिंग फर्स्ट थ्री डेकेड्स पाकिस्तान वॉज अ डिवेलपमेंट स्टेट wherein the state agenda pursued by all government, civilian and military was economic development. के पहले थ्री डेकेड्स जो थे 1947 के बाद से में पाकिस्तान एक डेवलपिंग स्टेट था. जो एजेंडा था गवर्नमेंट का, सिविलियन का, मिलिट्री का, वो एक ही था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान. लेकिन ऐसा ऐसा क्या हुआ कि 1977 में पाकिस्तान के जो डेवलपमेंट स्टेट का नज़रिया था वो बदल गया टू वर्ड्स आ
security state, as a result of which economic development ceased to be primary agenda of state. तो क्या हुआ जब security state जो overpower कर गया development state को, तो पाकिस्तान की जो economic capabilities थी वो भी कम होती थी. तो historically पाकिस्तान has been largely dependent on foreign bailouts to keep the economy afloat. In fact, there is a direct correlation between higher GDP growth and large foreign capital inflows, and conversely, slowing down of growth when there was a reduction in foreign assistance. So, Pakistan jo tha wo foreign bailouts pe itna dependent ho gayi Pakistan ki economy ki, to aaj aap dekhein ki GDP growth to us waqt zyada hoga jab Pakistan mein capital foreign capital inflows zyada ho rahe honge, bahar se karza zyada aa raha hoga. Lekin agar conversely chale jaye GDP kam ho jati hai jab foreign inflows jo hai wo kam ho jate hain. Stephen Cohen ka kehna hai ki Pakistan now barely survive on its own income, and most social services are paid for by foreign countries. Were paid to cease as it has in the past, the government would again be faced with financial pressure. कि अगर जो है पाकिस्तान इतना डिपेंडेंट हो चुका है बाहर की इकोनॉमी पे कि फॉरेन एड्स पे, कि अगर आज एड बंद होती है तो पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल फेलियर्स जो है वो फेस करेगा. फिर पाकिस्तान की जो आज पॉपुलेशन है, जो आपने देखा कि अब 46 मिलियन से भी एक्सीड कर गई है, तो इस बारे में वो लिखते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज शेप्स पॉलिटिकल पावर लाइक वाटर शेप्स रॉक्स. अब क्लोज द फर्स्ट लुक्स ट्रिवियल, बट व्यूड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ डेकेड्स और सेंचुरीज इट मूव्स माउंटेन्स. एक्सपर्ट्स बिलीव दैट पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड इज एक्सपीरियंस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी. Of a demographic defined it as a working age population bulges and the dependency ratio declines. क्योंकि देखिए पाकिस्तान में आज जो है वो यूथ पावर इतनी ज़्यादा है कि ये इसे कहा जाता है कि वंस इन लाइफ टाइम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है. लेकिन पाकिस्तान अगर ये जो यूथ इतनी अनएम्प्लॉयड है, इन्हें एम्प्लॉयमेंट देता है और इनसे सही मायनों में काम देता है, तो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी रेशो बहुत हद तक कम हो सकती है. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. तो द इनएबिलिटी ऑफ सिटीज टू एब्जॉर्ब कम्फर्टेबली अकोमोडेट एंड मीनिंगफुली एम्प्लॉय रूरल टू अर्बन माइग्रेंट्स एक्सर्बेट्स social or ethnic tensions between native and migrant populations. Pakistan will have to make heavy investments not merely to realize the demographic dividend, but to ensure the demographic dividend does not become a demographic nightmare. That Pakistan's population structure, instead of becoming once in lifetime opportunity, does turn into a ticking time bomb. हेस्टिंग द कंट्री स्लाइड टूवर्ड्स एबिस. जो कि आज कल कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इट इज़ लाइक टिकिंग टाइम बॉम्ब. फिर पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को डिफाइन करते हुए वो तिलक लिखते हैं कि जीन डेसाइन का कहने के द सेंस ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ पाकिस्तान लाइज इन दिस वेरी बेसिक फैक्ट. बॉर्न आउट ऑफ पार्टीशन चूजन बाय इटसेल्फ, इट अपीयर्स टू हैव फाउंड इन इंडिपेंडेंस नाइदर द पीस नॉर द सिक्योरिटी नॉर द फ्रीडम ऑफ स्पिरिट दैट वुड एनेबल इट आइदर टू लिव इन हार्मोनी विद इंडिया और टू इग्नोर इट. इट सीम्स इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू फॉरगेट इंडिया एंड गेट अलॉन्ग विद इट. भुट्टो का कहना था कि इफ अ मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन कैन रिमेन अ पार्ट ऑफ इंडिया देन द रीजन डेटर ऑफ पाकिस्तान कोलैप्सेस. पाकिस्तान इज इनकम्प्लीट विदाउट जम्मू एंड कश्मीर बोथ टेरिटोरियली एंड आइडियोलॉजिकली. हुसैन हकानी का कहना है कि सीकिंग सिक्योरिटी अगेंस्ट अ मच लार्जर नेबर इज अ रैशनल ऑब्जेक्टिव, बट सीकिंग पैरिटी विद इट ऑन कॉन्स्टेंट बेसिस जो है वो एक रैशनल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता. पाक अफगान रिलेशंस के बारे में अशरफ गनी को कोट करते हैं कि अशरफ गनी कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट पीस विद तालिबान, द प्रॉब्लम इज़ पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. फिर नजम सेठी का कहना है कि गिवन द बर्डन ऑफ जियोग्राफी एंड हिस्ट्री देयर कैन बी नो पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ नेबर पाकिस्तान. पाक चाइना रिलेशंस के बारे में वो लिखते हैं कि यूनिक रिलेशनशिप है एक कम्युनिस्ट जाइंट और एक इस्लामिक कंट्री के दरमियान, एक गॉडलेस वन, एक गॉडलेस कंट्री और गॉड फेयरिंग कंट्री के दरमियान. फॉर चाइना मिलिट्री इक्विपिंग पाकिस्तान हैज़ बीन अ लो कॉस्ट ऑप्शन टू कीप इंडिया बॉग डाउन एंड थ्रेटन्ड विद अ पोटेंशियल टू फ्रंट वॉर. एंड्रयू स्मॉल का कहना है कि इफ द मिलिट्री रिलेशनशिप लाइज एट द हार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान टाइज, न्यूक्लियर वेपन लाई एट द हार्ट ऑफ मिलिट्री रिलेशनशिप.
फिर अयाज आमिर का कहना है कि द वे पाकिस्तान इज टॉकिंग अबाउट सी पैक गिव्स इंप्रेशन एज इफ फॉर डेस्टिनी इज ऑल सेट टू चेंज द की टू पैराडाइज विल फॉल इन आवर हैंड्स. पाकिस्तान जिस तरह से सी पैक को पोर्ट्रे करे तो ऐसा लग रहा है कि और टू पैराडाइज जो है वो जल्दी हमारे हाथों में गिरने वाली है. पाक यूएस रिलेशंस के बारे में लॉरेंस राइट का कहना है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट एंटी अमेरिकन कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड अ कोवर्ट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म. फिर राइट लिखते हैं कि यूएस इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन पाकिस्तान विद ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ रिलायबल अलाय विद स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड अ मॉडर्न विगरस डेमोक्रेसी. हाउएवर ही लेमेंट्स दैट अमेरिकन मिलिट्री एड्स हैज बीन वेस्टेड मिसयूज्ड एंड टर्न्ड अगेंस्ट यूएसए. फिर पाकिस्तान यू एस ए रिलेशंस हैव बीन स्पोरेडिक ट्रांसैक्शनल एंड बेस्ड ऑन लेवरेजिंग पाकिस्तान जियोग्राफिकल पोजिशन. पाकिस्तान यू एस ए रिलेशनशिप हैज़ बीन अ कॉम्प्लेक्स वन इंडीड अ ट्रेजिक वन. ट्रेजिक फॉर द यू एस इन द सेंस दैट डिस्पाइट मैसिव फंडिंग द यू एस एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैव फेल्ड टू मोडिफाई पाकिस्तानी बिहेवियर. तो ये देखिए किस तरह से वो जो तिलक दिवाशेर है वो पाकिस्तान के और अमेरिका के रिलेशंस को बता रहे हैं. तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमें पाकिस्तान कोटिंग द एबिस बाय तिलक दिवाशेर से रेफरेंसेस को एक्सट्रैक्ट किया और देखा कि उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने राइट अप्स में. लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि आप एंटी स्टेट आर्ग्यूमेंट्स को कभी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते. वी आर बाउंड टू राइट स्टेट प्रमोटेड जो या स्टेट सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट्स हैं. तो आप ये वाली जो है अदर साइड ऑफ पॉइंट लिखते हुए या ब्लीक एस्पेक्ट लिखते हुए या कुछ जो है वो आप ये बताते हुए किस तरह से अदर ऑथर्स जो हैं या अदर नेशनैलिटीज़ जो हैं वो किस तरह से पाकिस्तान को देख रही हैं रिस्पेक्टिव टॉपिक्स को जो हमने आज देखे हैं उन्हें देख रही हैं. तो आप उस तरह से अपनी अल्फाज को इस तरह से रद्दोबदल करके तो आप ये वाले कोट्स लाजमी करें. जैसे आजकल के भी जो सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा कायम है पाकिस्तान में जो है वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो है वो डिटेरियोरेटेड हैं या इकोनॉमिक डिक्लाइन है पाकिस्तान का. तो आप इन सब चीज़ों को इन रेफरेंसेस की मदद से मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और किताब से रेफरेंसेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.